सो गाइज, जैसे कि एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट है और इस इन्वायरमेंट में आपके पास एक बेहतर ऑप्शन होना चाहिए कि आप एक अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स के लिए अब मैं आपको यहाँ पे तीन पॉइंट बताऊँगी। सबसे पहला पॉइंट है कि आप बुक से स्टडी करो, क्योंकि एक बुक से स्टडी करने के बाद में आपके माइंड में बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और जिसे आपको लिखने में भी आसानी होती है। दूसरा पॉइंट है प्रीवियस पेपर, यानी कि अगर आप प्रीवियस पेपर की हेल्प ले रहे हो तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है, बिकॉज ऑफ सारी यूनिवर्सिटी में जितने भी एग्ज़ाम पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं वो सारे के सारे आपके प्रीवियस पेपर से ही कराए जाते हैं। तो प्रीवियस पेपर में जो भी क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आप ज़्यादा फोकस करो, उन्हीं की ज़्यादा प्रिपरेशन करो, तो कम टाइम में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ में थर्ड ऑप्शन है आपका सैम्पल पेपर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट सैम्पल पेपर को स्किप करते हैं, यस एक तरीके से उसको अलग कर देते हैं, बट हमें सैम्पल पेपर क्या है, सैम्पल पेपर हमें हेल्प कराता है कि किस तरीके से आपको एक बेहतर तैयारी उसमें मिल सकती है, क्योंकि सैम्पल पेपर भी प्रीवियस पेपर की ही तरह आपको लगातार क्वेश्चन का जो रिपीटेशन है उसका आपको नॉलेज कराता है, क्योंकि उसमें लगातार ऐसे कोई 10 से 15 साल तक के क्वेश्चंस बैंक आपको मिल जाते हैं। तो ये तीन तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और कम समय में भी यही काम करेगा। बाद में आप ये कर सकते हो कि आप मॉडल्स वगैरह ले सकते हो, मैं क्योंकि मॉडल्स के लिए कभी मना नहीं करती, लेकिन उस दौरान जब आपकी पूरी एक प्रिपेयर एक बुक्स भी कंप्लीट है, आपने सैम्पल पेपर भी लिए हैं और उसके बाद में आप एट लास्ट मॉडल भी कैरी कर सकते हो। तो वैसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में आप इसको फॉलो करोगे।